हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। जो बाइक होता है वो उसमें इंजन नंबर दिया रहता है, तो आपको वही इंजन नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर,
और इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर डालना है मॉडल नेम। मॉडल नेम में जैसे तो कौन सा बाइक है, हीरो है, स्प्लेंडर या फिर कुछ भी है, तो आपको यहाँ पर मॉडल नेम डालना है, उसका कौन सा कोड है वो आपको डालना है, उसका ब्लैक वाइट कलर जो भी है वो आपको डालना है, बाइक को कब सेल किया गया है, ये सब आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ डालना है डेट एंड टाइम, फिर आपको डालना है यहाँ पर सर्विस टाइप में आपका फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस है, जो भी सर्विस होगा वो आपको सर्विस यहाँ पर डालना है, सर्विस किलोमीटर मेंशन करना है। और फिर जो सेलिंग डीलर होगा, तो जो डीलर है उसका नाम देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ दिया है एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, फिर पार्ट्स नेम, HSN चाहे SAC कोड, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना बिलिंग टाइप, फिर यूनिट प्राइस, फिर क्वांटिटी, UOM टोटल अमाउंट, फिर डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट रुपीस, एंड लिखना आपको लास्ट में टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लिखना सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में यह लिखता हूँ 1। इसके बाद हमें लिखना पार्ट्स नेम, जो कस्टमर आया है वो अपने बाइक में क्या क्या चीज़ को लगवा रहा है, तो वो पार्ट नेम यहाँ लिखना है। तो जैसे फर्स्ट में आएगा हमारा पहले मेरा इंजन ऑयल, ठीक है। और इसके बाद इसका एक कोड होता है, तो कोड को आप यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ पे कोड ही लिखना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बिलिंग टाइप, तो बिलिंग टाइप क्या होगा, तो मेरा पेड होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस में इसका मान लेते हैं प्राइस 50 होगा, 550। और क्वान्टिटी यहाँ पर डालते हैं 1, यहाँ पर UOM डालेंगे यहाँ पर 9, एंड यहाँ पर डालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, जो मेरा ई और 26 है और मेरा एफ 26 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है, हमें यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, और हमें यहाँ लिखना है सम, फिर हमें ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में हमें लिखना है ई और 26, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ 26 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, तो हमारी यहाँ प्राइस निकल जाएगा। फिर हमें डिस्काउंट उसे देना हो तो देंगे, नहीं तो इससे हम खाली रहने देते हैं, फिर डिस्काउंट रुपीज़ को यहाँ लिखना पड़ता है, और टैक्सेबल अमाउंट फिर हमारे यहाँ पर आएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ पे सेम चीज़ को लिख देंगे 550 को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स के नाम लिख दिए हैं जो कि अक्सर सर्विस में लगाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स मैंने नाम लिखे हैं, और इसका एक कोड होता है, तो कोड आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। और ये सब का बिलिंग टाइप क्या होगा, तो ये सब पेड होगा। तो फिर यहाँ पे प्राइस लिखना है, तो वो सब प्राइस जैसे 250 हो जाएगा, 250 बहुत ज़्यादा हो गया, 50 हो जाएगा, इसका प्राइस 96 लिख देता हूँ, करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर लेंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सब में ये अप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करना है कि यहाँ जो CGST है हम इसमें भी वही काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं।